तो मिल रहा है एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चलाई की चिक्की। कई जगह इसे रामदाना भी बोल देते हैं। तो इसे हम बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट आपकी चिक्की बन के रेडी होगी। तो नमस्ते दोस्तों, वीएस किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी। तो इसके लिए देखिए, हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ ये एक बाउल गुड़। यहाँ पे मैंने बस मोटा मोटा सा इसे पीसेस में तोड़ लिया। आप चाहे तो इसको अच्छे से क्रश करके डाल सकते हैं। तो गुड़ डाल दे, या आप इसमें डाल दे 2 चम्मच पानी, ताकि गुड़ मेल्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच देसी घी। तो इसे भी हम इस तरह लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो गया। इसमें जो चेंज है वो आने लग गया, आप देख पा रहे होंगे। तो जो ये चाशनी है पहले से फूली फूली हो गई है, और अभी इसमें झाग बनने शुरू होंगे। तो देखिए किस तरीके से बबल्स उठ रहे हैं, पर अभी ये रेडी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये अच्छे से तैयार हुई है या नहीं हुई है। देखिए किस तरह से हो जाए। जब इस तरह से हो, तब लगभग हमारी चाशनी जो है रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे एक कटोरी लेंगे, उसमें हमने पानी डाल लिया, उसमें थोड़ा सा हमने जो है चाशनी डाली है। तो उसे हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए, अगर ये चाशनी इस तरह से हो जाती है, इस तरह एक बॉल सी बन जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी रेडी है। अगर ये वापस वहाँ पानी में मेल्ट हो जाती है, तो अभी हमारी चाशनी रेडी नहीं है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम कम कर देंगे, और इसमें डाल रही हूँ मैं ये चौलाई। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ये गुड़ का लिया था, इसमें मैं 3 बाउल डाल रही हूँ चौलाई के। और इसे डाल के हम लगातार चलाएंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम है जो वो मीडियम कर लें, और इसे नीचे नहीं लगने देना है। चाशनी बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहें, वरना जो गुड़ का टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो लीजिए, गैस की फ्लेम बंद कर दिया हमने। जिस ट्रे में या जिस प्लेट में इसको जमाना है, उसको आप पहले घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। तो देखिए, आपने ये जो सारा ये चाशनी ये चिक्की जमानी है, फटाफट करना है। तो यहाँ पे घी से ग्रीस हमने पहले ही कर लिया था, तो इसे गरम गरम इसमें डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो आप इस तरह किसी कटोरी की सहायता से या किसी पलटे की सहायता से उसको प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, और इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। उसी टाइम आपने ये गर्म गर्म इस तरह से सेट कर देनी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसकी चिक्की जो है नहीं जम पाएगी। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है, बढ़िया से सेट हो गई है। तो अभी ये गर्म ही है, तो अभी हम इसके बीच में जो है कट लगा देंगे। जिस भी तरीके की अगर आप चिक्की बनाना चाहते हैं, या आप किसी अलग प्लेट में जमाना चाहते हैं, या लड्डू बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट आपकी चिक्की लड्डू बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी चिक्की बना रही हूँ। तो मैंने इनको देखिए कट कर दिया है। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं। तो देखिए, 5-7 मिनट में हमारी जो चिक्की है बन के बिल्कुल रेडी है। ये साइड कप पार्ट है जो हमने निकाल दिया है। तो लीजिए, देखिए ना कहीं से टूट रही है, ना बिखर रही है, बिल्कुल बढ़िया सी परफेक्ट हमारी चौड़ाई चिक्की बन के रेडी हो गई है। तो एक एक करके मैं ये सारे पीस निकाल लूंगी। तो आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं, या वैसे जैसे घर पे कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप इसे बना के रख सकते हैं। जब आप इसे रखें तो एयर टाइट कंटेनर में, या किसी डब्बे में रखें जिसमें हवा ना लगे, तो ये बढ़िया से रखी रहेगी। और आप इसे जितना चाहे उतना बना सकते हो, बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, फटाफट हमारी टेस्टी चिक्की बन के रेडी हुई है। थोड़ा सा मिक्सर बच गया था, तो उसे मैंने प्लेट में इस तरह से जमा दिया था। तो देखिए, बिल्कुल बढ़िया सी जैसे बाहर बाजार में मिलती है, वैसी बन के रेडी हो गई है। हमने इसे गुड़ के साथ बनाया, तो हेल्दी भी है। तो लीजिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर काजू लगा दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इसके बिना भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। और आप इसे त्योहार व्रत किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, बिल्कुल फलाहारी है। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, और प्लीज़ इस तरीके से बना के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा।